गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? मस्त मस्त होने ही चाहिए। आज मैं यहाँ पे आई हूँ आपके सामने एक खास न्यूज़ शेयर करने के लिए। जैसे आप लोग सब जानते हो, पिछले 6 सालों से आई एम गेटिंग अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स इन इंटरमीडिएट कोर्स, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, मैम आप प्लीज़ कोई सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में भी सिखाओ। तो आज मैंने ये डिसीजन लिया है कि सीए फाउंडेशन में पेपर 2 जो है, दैट इज़ बिजनेस लॉ करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं शुरू करने जा रही हूँ। और मेरी पहली बैच जो है, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 19th of June लाइव इन पुणे। ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, एंड क्योंकि 6 सालों का एक्सपीरियंस मेरा इंटरमीडिएट लॉ में ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे टॉपिक सीए इंटरमीडिएट के शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट के 25 सेक्शंस जो इंटरमीडिएट में थे वो शिफ्ट हुए हैं एट द फाउंडेशन लेवल। मैंने डिसीजन लिया है कि ये सब्जेक्ट मैं आपको, दैट इज फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स को सिखाने वाली हूँ। हमारा जैसा अप्रोच इंटरमीडिएट के लिए था, अ सिमिलर अप्रोच इज गोइंग टू बी फॉर सीए फाउंडेशन। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं क्लास में? सबसे पहली बात तो हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑन द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है लॉ का, करस्पॉन्डेंस का और रिपोर्टिंग का, सबसे पहला हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। शुरू करने वाले हैं हम वहां से कि लॉ आया क्यों और लॉ होता क्यों है। वहां से एक एक सेक्शन हम देखेंगे कि लॉजिक क्या था ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का, और उसके पीछे का कारण क्या था, और क्यों लॉ मेकर ने ऐसा पर्टिकुलर लॉ ड्राफ्ट किया है। क्योंकि देखो, मगिंग अप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि देखो, सीपीटी तक आपको सिर्फ एमसीक्यू का पैटर्न था, द एग्जामिनेशन वॉज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। बट इस साल से, दैट इज फाउंडेशन कोर्स में, इंस्टीट्यूट ने हमारे फाउंडेशन के पैटर्न को शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो अब लॉ और अकाउंट्स के पेपर में दोनों भी चीजें रहेगी, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस टोटली नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, एंड दैट इज द लर्निंग पार्ट। तो हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं? सबसे पहली बात, हम लोग तो ये सब्जेक्ट को समझने वाले हैं एकदम कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली समझने के बाद देयर इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव रिविजन इन द क्लास। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिविजन होगा, जहाँ पे हर रोज पिछले जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो रिवाइज करूंगी, और उसके बाद हम लोग बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वैसे हर रोज हम लोग यही चीज करने वाले हैं कि अगला कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले हम प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। रिविजन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के पहले यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस द इंस्टीट्यूट आस्क्स। हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, लिखकर लॉ को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से मैं ये पूरा टॉपिक जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरी फाउंडेशन की जो बुक्स रहेगी वो बुक्स कलर्ड रहेगी। कलर्ड क्यों? क्योंकि ये टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, साथ ही साथ क्योंकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपके पास समय बहुत कम रहता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है। हमने क्या किया है हमारी बुक्स में, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सारे इंपॉर्टेंट और कीवर्ड्स जो है वो ब्लू में मार्क कर दिए, ताकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जब कभी भी आपको पढ़ना है, यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज ब्लू वर्ड्स, और आपको पूरा सेक्शन जो है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो ऐसे करके मैंने अपनी बुक्स जो है वो बनाई है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना आई एम 100% श्योर, जितना मज़ा मुझे ये बुक्स बनाने में आया है, उतना ही ज़्यादा मज़ा आपको भी आएगा ये बुक्स को पढ़ने के लिए मेरे साथ। आई अश्योर यू, आई गिव यू द फुल गारंटी कि ये पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है क्लास में ही मेरे साथ कवर हो जाएगा, और एकदम कॉन्फिडेंटली आप एग्जामिनेशन जो है वो लिख पाओगे। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, इंटरमीडिएट के मेरे बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, एंड these lectures that I have uploaded on YouTube have got a very good response. आप देख ही सकते हो, जैसे कि just one second, यहाँ पे देखो आप YouTube पे, अगर आप सर्व करते हो सीए अंकिता पटनी, आपको बहुत सारे lectures जो है मेरे दिखाई देंगे।
लेक्चर्स के नीचे बहुत सारे कमेंट्स. अब देखो जैसे ये वाला जो लेक्चर है मेरा आईपीसीसी का, इट हैज गॉट अराउंड 477,000 व्यूज और 203 कमेंट्स है. और ये सारे कमेंट्स जो आप रीड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है ऑल ओवर इंडिया. सो आई एम 100% श्योर जितना मज़ा आपको इंटरमीडिएट में आया था उतना ही मज़ा आप जूनियर दोस्तों को आएगा इन सीए फाउंडेशन. तो ऑल माय स्टूडेंट्स, इट इज़ अ पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर दिस न्यूज़ दैट आई एम स्टार्टिंग विद सीए फाउंडेशन एंड आई विल बी टीचिंग पेपर टू, दैट इज़ बिजनेस लॉ करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. एंड माई लाइव बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 19th of June in Pune. Thank you very much. Hi guys, how are you doing? मैं सी अर्षद जाजू हूं. मैं फैकल्टी हूं स्वप्निल पटनी क्लासेस के साथ. दोस्तों, मैं आपसे आज मिलने के लिए आया हूं एक खास मकसद से. आपको मालूम होगा कि अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, एक इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ आपके सामने शुरू हो चुका है. यस, दैट इज आफ्टर 12th, व्हाट टू डू. सीए कोर्स आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है फ्रॉम द प्रोफेशनल करियर पॉइंट ऑफ व्यू. आज की सोसाइटी एकदम डायनामिक है, लॉस बहुत चेंज हो रहे हैं और इस सब में कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्री में सीएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ये सीए कोर्स बेस्ट पढ़ाया जाता है एज द इंडिया नोस एट स्वप्निल पटनी क्लासेस. एंड आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट कि स्वप्निल पटनी क्लासेस हैज स्टार्टेड द सीए क्लासेस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. एंड उसमें अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के क्लासेस. यस, आपने सही सुना, सीए फाउंडेशन के क्लासेस. ये क्लासेस लाइव पुणे में चलेंगे फ्रॉम 19th of June. 19th of June बच्चों ध्यान में रखना, ये डेट 19th of June है. जो सीनियर्स आप लोग देख रहे हो, जो आईपीसीसी इंटरमीडिएट या फाइनल जो ऑलरेडी स्वप्निल पटनी क्लासेस में पढ़ रहे हो, आप लोग तो जानती होंगे कि किस तरीके से, कितने ऑसम तरीके से हम लोग ये क्लासेस लेते हैं. तो उसी ऑसम तरीके से, उसी डेडिकेशन से, उसी मोटिवेशन से हम लोग पुणे में सीए फाउंडेशन के क्लासेस शुरू करेंगे. दोस्तों, अगर आप इच्छा रखते हो ये जानने के लिए कि सीए फाउंडेशन में पूरी टीम कौन होगी, तो मैं बताता हूं आपको कि मैं सीए हर्षित जाजू आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा. बहुत से बच्चों ने जो ऑलरेडी सीपीटी मुझसे पढ़े हुए होंगे, उन्होंने ये फाउंडेशन के लेक्चर्स या सीपीटी के लेक्चर्स आपने यूट्यूब पे ऑलरेडी स्वप्निल पटनी चैनल पे देखे होंगे. तो मैं पिछले कई सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं. इकोनॉमिक्स बहुत ऑसम तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, टॉपिक्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, सब कुछ हम लोग बहुत ऑसम तरीके से पढ़ेंगे. मेरे साथ में जो पढ़ाने वाली टीम होगी वो भी हाईली एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम है. आपको जानना होगा तो लॉ जो पढ़ाया जाएगा आपको, तो लॉ पढ़ाएगी सीए अंकिता पटनी. वो पिछले 6 सालों से आपको तो मालूम होगा इंटरमीडिएट लॉ पढ़ाती है. उसका पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक है. एज आई सेड, वो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी, कॉन्सेप्ट के बाद उसको रिवाइज कराएगी और फिर उसके बाद रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे क्लासेस में, तो आपका लॉ का सब्जेक्ट क्लास में खत्म होगा. ऑन दी अदर हैंड, जो अकाउंट्स, जो और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है फाउंडेशन के लिए, अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा आपको सीए आनंद भंगारिया के द्वारा. वो सर जो है आपको एक अकाउंट्स की अलग ही दुनिया में लेके जाएंगे. ही विल मेक यू फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स विद हिज मैजिक ऑफ टीचिंग. एंड द लास्ट मिस्टर जतिन, ये आपको पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, जो माना जाता है मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट इन द सीए कोर्स. वो आपके लिए बहुत ही आसान करेंगे. तो दोस्तों, ये वेल क्वालिफाइड एंड मोस्ट एक्सपीरियंस टीम के साथ अगर आपको पढ़ना है तो यस, स्वप्निल पटनी क्लासेस पुणे, शुक्रवार पेट में आपको 19th of June को आना होगा. द बैच टाइमिंग विल बी फ्रॉम 1 PM टू 7 PM. थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल. हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन अवला स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का. अभी तक आप लोगों को पता पड़ ही गया होगा कि SPC लॉन्च कर रहा है अपना पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें सर मैं लेने वाला हूँ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कोर्स. मतलब 40 मार्क्स का मैथ, 40 मार्क्स का स्टेट्स और 20 मार्क्स का LR, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी. सर एक इशू है, इशू ये है कि हमारा 11th में मैथ्स नहीं था, 12th में मैथ्स नहीं था, या फिर हम कह रहे थे हमारे पुराने भी मैथ्स के जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं, मैथ्स के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है. कोई चिंता वाली बात नहीं है. चिंता वाली बात क्यों नहीं है, हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा पूरी छूट है कैलकुलेटर यूज करने की, और हम लोग कैलकुलेटर को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. हमारा जो क्वेश्चंस है वो 25 सेकंड से बोलूं तो 40 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है. मतलब हम लोग एक क्वेश्चन में 1 मिनट तक नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि इसकी तैयारी हम लोग करने वाले हैं क्लास में. क्लास में हम लोग इस सब्जेक्ट को इतने प्यारे तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है 11th कैसा था,
ट्वेल्थ कैसा था या पुराने बेसिक्स कैसे थे, भूल जाओ सब कुछ। आप की पूरी मैं कह रहा हूँ तो मैथमेटिक्स स्टेट्स और एलआर की पूरी चिंता हमारी, आप लोगों को उसके लिए हो जाना है बेफिक्र, उसकी चिंता आप हमारे ऊपर सौंप दो, बेफिक्र हो जाओ। अब सर बात आती है, हमको पता कैसे पड़ेगा कि आपकी जो आप जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बोल रहे हो या आप जो कमिट कर रहे हो 42-25 सेकेंड कैसे होगा? मेरे भाई एक छोटी सी आपको बात कहना चाहूंगा, आप लोग गूगल पे यूट्यूब पे कहीं भी अगर सर्च करोगे मैथ्स ट्रिक्स फॉर सीपीटी तो आपको सबसे पहली वीडियो मेरी होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाकी नीचे की वीडियोस भी मेरी होंगी। मतलब हम लोग गूगल और यूट्यूब पे टॉप रैंक पे हैं। सर आज से नहीं, जिस दिन मैंने पढ़ाना चालू किया था उसके 6 मंथ के अंदर अंदर मैं गूगल और यूट्यूब पे टॉप रैंक पे आ चुका था। दैट मीन्स आर ट्रिक वर्क फॉर इट एंड देयर आर द फास्टेस्ट ट्रिक्स इन होल इंडिया, दैट माय कमिटमेंट। एंड आप लोगों की मैथ्स की चिंता आप भूल जाओ, उसे आप एक बार हमारे ऊपर सौंप दोगे तो हमारी जिम्मेदारी आपको उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की। अराउंड अगर मैं कहने जाऊं तो 80 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वो खत्म होगा। 80 घंटे बाद जब आप हमारी क्लास से बाहर निकलोगे ना, तब मेरी एक जवाबदारी आपको मैं देना चाहूंगा, आपको कोई चिंता नहीं होगी, आपका मैथ्स आपकी ग्रिप में होगा। आप ये बोल रहे होंगे देख भाई 100 में से 60 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स तो पक्का मेरे, ये बात मैं कर रहा हूं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। अगर आपके बेसिक्स वगैरह अच्छे हैं या नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप मैथ्स में थोड़े से कैची हो तो आप लोगों के ज्यादा मार्क्स आएंगे। एक आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास के दौरान एक ही चीज की रिकमेंड होती है मुझे, वो होती है एनर्जी। आप लोगों को दिखानी है एनर्जी, मेरे एनर्जी और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में एक बार घुस गए तो उसे बाहर में निकलने देता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का पूरा फॉर्मेट अलग है। मैंने मैथ्स को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि आपको सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आज की बात को यहीं खत्म करता हूं, रेस्ट इज ऑल टू ऑल द सर्स, थैंक यू।